साढ़े दस बजे गए हैं और साढ़े दस बजे डुब्बू हमें क्या पिला रहा है? नींबू पानी। नींबू पानी पिला रहा है, क्या बात है, थैंक यू डुगा। कहाँ से सीखा तूने ये नींबू पानी? ये भी वेट कर, ये देखो एक कप इसका, एक ग्लास मेरा, एक ग्लास इनका। ये रही ट्रे सबूत के तौर पे। सो डुगू आज क्या तेरी इच्छा हुई कि रात को 10 बजे तू हमें जगा करके नींबू पानी पिला रहा है? पिलाऊंगा, मेरी मर्जी चल रही है। तेरी मर्जी चल रही है भाई, बना ठीक है? ठीक है, तो जीरो ले तो। जीरो कोई बात नहीं, फिर अच्छा बना लेगा। मेरा ले ले। एक ही नंबर। एक। और आज डुगू ने मेरे लिए प्ले बटन भी बनाया था जिसका येलो येलो कलर उसके बाजू पे लगा हुआ है, टूप की तरफ से मिलेगा। और एक ये आज दोनों मिलेंगे क्या? ये एक आज बनाया है, बहुत ही सुंदर। The next day। अरे देख रही हूँ, सुन सुन सुन, देख रही हूँ, पी रही हूँ, इधर आजा, पी रही हूँ, पी रही हूँ। ये लो जी, हम तो रूठ गए। एक्चुअली ये ना पहले दिन इसने नींबू पानी बनाया था बिना किसी की हेल्प के और बिना किसी के बोले, तो मैंने इसको ऐसे ही कहा था कि ताकि ये बनाए नहीं। रोज रात को ना 8 बजे ये बोलता नींबू पानी बनाता हूँ, तो मैंने कहा था मुझे चाय दे दिया करो सर्दियों का टाइम है। तो अगले दिन से इसने सच में काढ़ा बनाना स्टार्ट कर दिया। उसमें मेरे हस्बैंड हेल्प करते थे, लेकिन रात को 9 बजे ये काढ़ा लेके आ जाता था और मुझे बिना बात के वो कड़वा काढ़ा पीना था। ना पियो तो ये रूठ के चला जाता था जैसे आपने क्लिप में देखी। तो ये कम से कम 4-5 दिन तक चला। तो ये है नेक्स्ट डे की क्लिपिंग। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रोकली के परांठे। तो ब्रोकली को मैंने यहाँ पे ना अच्छे से बॉईल कर लिया, आप लोगों ने देखा ही है। बॉईल करने के बाद इनको ना अच्छे से मेस कर लिया है, क्योंकि अगर डायरेक्ट अगर आप इसको मेस करोगे ना तो होगी नहीं, मिक्सी से पीसोगे तो भी नहीं होगा। और मेस करने के बाद स्टफिंग करके इसके बहुत ही टेस्टी के परांठे बन जाएंगे। इसके अंदर मैंने ऐड किया है, गॉड ब्लेस यू, बुगू को छींका रही है बीच में। सो इसके अंदर मैंने ना ऐड किया है थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काली मिर्च। काली मिर्च और नमक का अच्छा टेस्ट आता है, बाकी कोई और भी मसाले डाल सकते हो, बट इसके साथ में ना और मसाले अच्छे नहीं लगते, काली मिर्च और नमक ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एंड बाकी ज़्यादा रेसिपी मुझे ब्रोकली की बनानी आती भी नहीं है, जस्ट मैंने एक दो बार आलू के साथ में इसकी सब्जी ज़रूर बनाई थी। तो लेकिन परांठे ज़्यादा अच्छे बनते हैं बाकी की बजाय, और आप सैलेड में भी खा सकते हो ब्रोकली को। तो इतनी ही मुझे आती है, अगर आपको ज़्यादा रेसिपी आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं भी ट्राई करना चाहूँगी। सो यहाँ पे मैंने स्टफिंग करके बहुत ही टेस्टी से पराठे बना लिए थे। तेरे को किस चीज़ की खुशी हो रही है? तुझे किस चीज़ की खुशी हो रही है? और ये बनाई गई है काढ़ा मेरे लिए स्पेशल। अगेन नाइट होते ही मुझे फिर से सरप्राइज मिल गया काढ़े का, और मुझे फिर से काढ़ा पीना था। ना पियो तो हम गुस्सा हो जाएंगे। तू भी पी ले फिर। जबरदस्ती है कि रात के 10 बजते ही मेरे को जबरदस्ती ये वाला काढ़ा पीना पड़ रहा है? क्यों भाई, पीना तो पड़ेगा, तो बोल दिया। हाय, वेलकम बैक अगेन टू माय ब्लॉग्स। सो हमें कल निकलना है, और अभी मैं कर रही हूँ सूट कुर्ता होल की मुझे शूटिंग करनी है। इसके अलावा मुझे सैंडल की शूटिंग करनी है जो कि मैंने अभी ख़रीदी थी कुछ दिन पहले। सो काफ़ी कुछ शूट करना है, साथ में पैकिंग भी करनी है, इसलिए मुझे लगा कि मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ फटाफट। और काफ़ी कुछ मुझे देखना भी है। मेरी ज्वेलरी यहाँ पे मैं लेके आई थी जो कि मैं शादी में पहनी थी, और उसका ना यहाँ से बाजू जो है वो टूट गया था, पता नहीं कैसे लूज हो गया कि टाइट हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई उसमें, तो वो भी मुझे देखना है। तो ये सारे क्विक से काम मैं आप लोगों के साथ करती हूँ। एंड साथ ही में घर जा रहे हैं, तो ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं आपको अपने साथ घर भी लेके चलती हूँ, क्या क्या पैकिंग होती है, कैसे कैसे मैं मैनेज करती हूँ, जो भी होता है। सो अभी मैंने एक वीडियो शूट कर लिया है, ये वाला कुर्ता होल का वीडियो शूट किया है जो कि ऑलरेडी मेरे चैनल पर आप होगा, आप देख लीजिएगा। एंड अभी मैं सेकेंड वीडियो शूट कर रही हूँ ये सैंडल का, तो जस्ट वो करना है। एंड ये कुर्ता का ना मुझे ट्राई ऑन भी करना है, ये वाली सैंडल है, ये 3-4 तरह की मैंने ऑर्डर की थी जिसमें से काफ़ी कुछ तो मैंने पहन ली है सही बताऊँ तो सिर्फ 2 या 3 सैंडल्स ऐसी है जिनकी हालत ऐसी है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। बाकी सब तो पहनने के बाद ऐसे गंदी गंदी दिखती है ना, वैसी हो गई तो मैं नहीं दिखा सकती। तो 3 है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने कहा ना मैंने काफ़ी कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ कि हाँ एक छोटा सा अफोर्डेबल सा हॉल बनाऊँगी आप लोगों के लिए, सो दैट आपको क्वालिटी वगैरह पता चल जाए, बट नहीं बना पाई अभी। क्यों काम करते हैं एंड मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद में।
तो यहाँ पे जैसे ही मेरा सूट कंप्लीट हुआ था कि नहीं हुआ था मुझे याद भी नहीं है। उतने में ये ना फ़ोन आ गया था कि मार्केट जाने के लिए कुछ कुछ शॉपिंग करना था हमें शादी के लिए, कुछ कपड़े वपड़े लेने थे बच्चों के। सो घर से निकल गए थे हम लोग, तो मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि उस टाइम आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, हवा चल रही थी ना जब हम लोग नीचे गए, तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर करके बता रही हूँ। तो हम लोग कुछ कपड़े लत्ते खरीदने के लिए बाहर गए थे एंड मुझे काम बीच में छोड़ना पड़ा सारा, एंड उसी दिन मैंने वापस आकर पैकिंग भी की फटाफट। सारी सारी जो शॉपिंग हो रही है और जो तैयारी हो रही है वो मेरे घर जाने की हो रही है। हम लोग टोटल 7 दिनों के लिए गए थे एंड उसका भी मैं ब्लॉग बनाऊंगी। एक ब्लॉग बनेगा कि दो मुझे नहीं पता है, बट बहुत कम क्लिपिंग है क्योंकि वहाँ जाते ही है ना थोड़ी सी बुगू की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैं शादी में गई थी तो वहाँ पर टोटल फंक्शंस अच्छे से अटेंड नहीं कर पाई एंड हुआ नहीं कि मैं कैमरा उठा पाऊँ। जैसे मैंने कहा था कि अगर कैमरा उठा लिया तो बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। सो फिर भी आप बने रहिएगा, और अगर आपको मेरे वीडियोज़ थोड़े बहुत भी पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ मैं अगेन बोलूँगी कि लाइक कर दें और कोई भी एक हार्ट छोड़ दें। अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें, और प्लीज़ मैं अगेन रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कोई हार्ट जरूर छोड़ दें और लाइक भी करें ताकि मेरी मेहनत जो कर रही हूँ वो सफल हो जाए। सो यहाँ पे डुगो गेम खेलना था, इसके अंदर टॉयज़ जीतना होता है, और टॉयज़ जो थे वो 5-10 रुपये वाले थे एंड इसके साइज चार्जेस लेते हैं 100 और 150। सो ऐसा सा कुछ हुआ एंड अगेन मेरी नहीं कि मोबाइल की बैटरी लो हो गई एंड स्टोरेज फुल हो गया, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। एंड उसके बाद हम लोग घर आए, घर आने के बाद मैंने जस्ट खाना वाना बनाया, डिनर रेडी किया एंड पैकिंग की। अगले दिन हम जाते हैं घर, तो वहाँ का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा कि कैसे कैसे मैंने तैयारी की एंड कैसे हम लोग पहुँचे। और मैं अपने घर भी गई हूँ, मतलब मायके भी गई हूँ, तो डोंट मिस दैट क्लिप ऑल्सो। सो बस इतना छोटा सा वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।